किस हिसाब से बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा है वो सब लोग जानते हैं। यहाँ तो जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको सजा मिल जाती है। बिहार के बालिका गृह में क्या हुआ, वो कौन से हदें पार की थी जो छोटी छोटी बच्चियां अनाथ बच्चियों के साथ अरे भाई सबको पता है कैसे होता है क्या होता है बिहार में सबको पता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, जो लोग ये बातें कह रहे हैं वो लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं किस हिसाब से बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा है। तो इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, जो लोग हैं वो सब लोग जानते हैं। तो बिहार में पूरी तरीके से अपराध इस हिसाब से नंबर आ रहा है। डीजीपी को क्या पावर है, पावर है क्या? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, कोई भी रिकमेंडेशन जो होता है डीजीपी का, क्या ये प्रशासनिक अधिकारी जो है, ये तो आप जो मुख्यमंत्री के आसपास जो चमचे बेलचे हैं वही लोग करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, जो अच्छा काम करे। यहाँ तो जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको सजा मिल जाती है, तो ये तो सच्चाई है बिहार। बंगाल में सर आज बीजेपी ने बंद का ऐलान किया था सर, कल जिस तरीके से यूपी में कब करेगी? यूपी में सबसे ज्यादा रेप होता है, बिहार में इतना रेप हो रहा है, यहाँ तो सत्ता में बैठे यहाँ क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग? इन लोगों का कतरी अकड़ी में अंतर है, इन लोगों को केवल नफरत पैदा करना, इसी में इन लोगों को राजनीति सूझता है। सर जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सारी हदें पार कर दी है बंगाल में। बालिका गृह में क्या हुआ सर, बिहार के बालिका गृह में क्या हुआ, वो कौन से हदें पार की थी जो छोटी छोटी बच्चियां अनाथ बच्चियों के साथ इस तरह का शोषण होता रहा, मार दिया जाता था? कौन सा शासन था? बीजेपी के लोग थे ना, अपना इतिहास जानना चाहिए इन लोगों को। लखनऊ डिवीजन में 8 जगहों के रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया। नाम बदलने से कोई काम बदलता है क्या? एक्सीडेंट रुक जाएगा क्या? आप ही बताइए, नाम बदलने से एक्सीडेंट रुक जाएगा? अच्छा सर होगा, ठीक है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।